मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ की मुट्ठी भींचकर आसाम के विकास के संकल्प के साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित, बस हो गया भैया, आप सुनो, ओ हो गया, अब भाषण सुनो। मंच पर उपस्थित असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, असम भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान कलिता जी, भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल जी, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरो जी, बीटीसी के सीएम प्रमोद बोरो जी, श्री वैजयंत पांडा जी, रामेश्वर तेली जी, दिलीप साइकिया जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में असम के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां पर इस मैदान में लाखों की संख्या में असम के भाइयों बहनों को देख रहा हूं, बरसती बारिश के अंदर जिस उत्साह के साथ आप आए हैं, मुझे वो दिन याद आता है जब 2014 में अध्यक्ष बनने के बाद मैं यहां प्रवास पर आया था। उस वक्त असम में हमारे पास सिर्फ 5 सीटें थी। कितनी सीटें थी भाई, जोर से बोलिए, कितनी थी? उसके बाद चुनाव आया, 2016 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, 5 सीटों से बढ़कर 30% वोटों के साथ 60 सीटों के साथ हमने सरकार बनाई और असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एजीपी का शासन आया। 2021 में फिर से चुनाव हुआ, फिर से हमने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आज वो सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है मित्रों, 1 साल पूरा हो रहा है। और 1 साल के समारोह के अंदर बरसती बारिश में लाखों की संख्या में लोग जो खड़े हैं, वो बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने 1 साल में असम को बदलने की प्रक्रिया की है, उसको असम की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। मित्रों, मां कामाख्या का ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले यहां पर आतंकवाद आंदोलन, बंद, बम धमाके, गोलीबारी, युवाओं के मृत्यु से एक घसीट प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल चली, पहले सर्वानंद जी के नेतृत्व में, अब हेमंत शर्मा के नेतृत्व में, ये 6 साल के अंदर आंदोलन, हिंसा, आतंकवाद की जगह शांति, विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई पुरानी, वर्षों पुरानी समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, सबसे बड़ा काम ये 1 साल में हमने हमारे घोषणा पत्र के ढेर सारे वादे पूरे करने का किया था। हमने वादा किया था 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का, 2 भर्ती आयोग गठित हो गए हैं,
और 23,000 से अधिक लोगों को नौकरी देने का काम हमने सिर्फ एक साल के अंदर पूरा कर दिया है। मैं हेमंत विश्व शर्मा और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। गौ तस्करी के लिए हमने वादा किया था कि असम की भूमि पर से होकर एक भी गाय माता को बांग्लादेश जाने नहीं देंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कह सकता हूं कि गौ तस्करी के लिए आसाम के सारे दरवाजे आज बंद हो चुके हैं और यहां से लेकर हैदराबाद तक तस्करों को आसाम पुलिस का खौफ आज डरा रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, अरुणोदय के अंतर्गत हमने 1,000 रुपया जो था उसको 1,250 रुपया प्रति माह किया और सत्र की जमीन बारपेटा से लेके आसाम में फैले हुए सत्र की जमीन को मुक्त कराने का हमने वादा किया था। बारपेटा में 40 बीघा जमीन और पूरे आसाम में 10,700 बीघा जमीन आज घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, हमने वादा किया था कि हम घुसपैठ को रोकेंगे। मैं आज कल ही में बांग्लादेश की सीमा पर दौरा कर आया हूं। सारे आंकड़े बताते हैं कि आसाम की घुसपैठ पर, आसाम में घुसपैठ पर ये 6 साल के अंदर बहुत बड़ी कटौती आई है और कुछ पैचीज बाकी है, वो बनने के बाद ये घुसपैठ पूरी तरह से बंद होगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पूरे देश के सामने वादा किया था कि उत्तर पूर्व को, ये नॉर्थ ईस्ट को हम देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। मोदी जी ने खुद नॉर्थ ईस्ट के अंदर 50 बार दौरा किया है। मित्रों, 50 बार दौरा किया है और पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास को नरेंद्र मोदी जी ने गति देने का काम किया है और आसाम के अंदर ढेर सारी नई शुरुआत हुई है। मित्रों, आसाम में हमने वादा किया था सुरक्षा, ड्रग्स, गौ संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत का रक्षा, सिक्स शेड्यूल के क्षेत्रों का संरक्षण, ये सारे वादों पर आज हम काम कर रहे हैं। आज आसाम की सरकार मंत्रिमंडल आसाम के कोने कोने तक ले गई है और मित्रों, सबसे बड़ी बधाई आसाम की सरकार को मैं कोविड मैनेजमेंट के लिए देना चाहता हूं। आसाम जैसे प्रदेश के अंदर कोविड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल थी। टीका आने के पहले और वैक्सीनेशन आने के बाद, पहले पूरी ऑक्सीजन से लेकर सारी सुविधाएं करना और टीका आने के बाद जंगल हो या पहाड़ी, गांव हो या शहर, हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन करना, ये बहुत सफलता के साथ आज पूरा हुआ है और आसाम ने कोविड के खिलाफ लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। इसलिए मैं आसाम सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कोविड पीड़ितों की सहायता के लिए लगभग 2.5 करोड़ लोगों को, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2.5 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में देकर गरीब के घर का चूल्हा जलाने का काम किया है। मित्रों, 2.5 करोड़ लोगों को, और असम सरकार ने 50,000 रुपया हर मृतक को शिद्दत के साथ इनके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचाए। असम के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमने हिंसा,
अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास, प्रगति और शिक्षा का एक नया युग चालू किया है। उग्रवादी संगठनों के साथ कई समझौते हुए, 9000 से ज्यादा उग्रवादी हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में शामिल हुए। कार्बी का समझौता हो या बोडोलैंड के साथ समझौता हो, दोनों समझौतों ने आसाम को उग्रवाद से मुक्त करने का काम किया है। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के साथ भी सारे विवाद को सुलझाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और 30 साल के बाद मित्रों, 30 साल के बाद आसाम से 60% से ज्यादा क्षेत्र में से अपसपा हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हेमंत विश्व शर्मा ने किया है। पहले आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, अब युवा के विकास को स्पेशल पावर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अब सपा इसलिए हटाया गया है कि क्षेत्र में अब सपा डालने की जरूरत ही नहीं है, शांति प्रस्तापित हो चुकी है। कांग्रेस के राज में 60 बार अब सपा को एक्सटेंड कर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी के शासन में हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में आसाम सरकार और भारत सरकार ने अब सपा को 60% क्षेत्र से बाहर किया है और सीएपीएफ के साथ मिलकर एक अभेद दीवार घुसपैठ के खिलाफ बनाने का काम आसाम सरकार और भारत सरकार ने किया है। मित्रों, मैं तो दोनों राज्यों को देख रहा हूं, बंगाल को भी घुसपैठ रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं, आसाम में भी कर रहे हैं, मगर बंगाल में हमें कोई समर्थन नहीं मिलता, बहुत सफलता नहीं मिलती। आसाम सरकार घुसपैठ के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है, भारत सरकार का समर्थन कर रही है और इसके कारण आसाम की सीमाओं से घुसपैठ को रोकने के लिए हमें बहुत बड़ा फायदा मिला है। देश के स्वास्थ्य मैप पर आसाम बहुत तेजी से उभर कर आ रहा है। कैंसर केयर प्रोग्राम आसाम का न केवल उत्तर पूर्व, पूरे देश के लिए गौरव है। 2017 में मैंने 10 अस्पतालों का नींव यहां पर पार्टी के अध्यक्ष के नाते सर्वानंद सोनवाल और हेमंत विश्व शर्मा की उपस्थिति में डाला था। उसमें से 7 अस्पतालों का लोकार्पण अभी अभी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर गए हैं और बाकी का भी फास्ट ट्रैक पर होगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना करने का काम शुरू हो चुका है। 8 नए मेडिकल कॉलेज धुबरी, नलबाड़ी, नौगांव, कोकराझार, तिनसुकिया, चराईदेव, विश्वनाथ, चरियाली और प्राग ज्योतिषपुर चिकित्सा महाविद्यालय, इसकी नींव डालने का काम आज समाप्त हो गया है। वो दिन दूर नहीं है जब आसाम न केवल नॉर्थ ईस्ट, पूरे पूर्वी देशों के लिए हेल्थ का हब बनेगा। वो दिन बहुत नजदीक मैं देख रहा हूं। क्वालिटी पावर, 24 घंटा पावर आज आसाम के अंदर कम से कम लोड शेडिंग है। वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया है। नए उपस्टेशन प्रस्तापित किए हैं और 10,000 करोड़ से एक नई योजना शुरू की है और 8,000 करोड़ उसके लिए जारी भी कर दिए गए हैं। मित्रों, किसानों को और चाय ट्रैवल के लोगों को हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य की में बढ़ोतरी की है। पहली बार आसाम में धान खरीदी हुई है और अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस। मैं आज कह सकता हूं कि आसाम ने
सबसे बड़ा भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर आज काजीरंगा को भूमाफियाओं से मुक्त कराने का काम किया है और असम के गौरव गैंडे को सुरक्षित कर गैंडों की संख्या में अप्रत्याशित और ऐतिहासिक वृद्धि करने का काम असम सरकार ने किया है। मानव तस्करों की टोलियों को भी समाप्त किया है। जीएसडीपी में 14%, मित्रों ध्यान से सुनना, जीएसडीपी में एक साल में 14% की वृद्धि असम ने की है और फिस्कल को भी कंट्रोल कर दिया गया है। मित्रों आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2015 से विकसित असम का यहां पर एक अभियान चालू किया था। आपने 2016 में हमें मैंडेट दिया, 21 में मैंडेट दिया, इसका एक साल आज पूरा हो रहा है। 6 साल के अंदर असम को हर क्षेत्र के अंदर विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आज इनके एक साल समाप्त होते हैं पर भाई हेमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि बाकी के 4 साल के अंदर हमारे घोषणा पत्र को पूरा कर न केवल असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी की कल्पना के अनुकूल नॉर्थ ईस्ट बनाए। आज ही मित्रों आप लोगों को एक और शुभ समाचार देना है। आज ही के दिन 200 साल पुरानी असम पुलिस को राष्ट्रपति ने ध्वज प्रदान करने का काम आज किया है। आज से असम पुलिस अपने निशान के साथ देश के पुलिस के नक्शे पर है और असम की जनता का मैं भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। दो बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और इस एक साल में जो 6 चुनाव आए, 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी को असम की जनता ने जिताया है। जितने भी म्युनिसिपालिटी के चुनाव आए, 1-2 छोड़कर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। मित्रों आज मैं फिर से एक बार असम के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, असम के केंद्रीय मंत्री सर्वानंद जी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में असम की जनता का दो हाथ जोड़कर धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। माननीय अमित शाह रंगड़िया के धन्यवाद ज्ञापन करेछो, भारत माता के, भारत माता के, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।